तो आज हम आ चुके हैं नागपुर के मोमिनपुरा एरिया में और यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं सेवई और फेनी बनती कैसे। कोई लोग सेवई बोलते हैं, कोई लोग फेनी बनते हैं। बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस है इसका। रोज़ की यहाँ पे 2.5 से 3 क्विंटल फेनी बनती है पूरे रमज़ान के महीने में, और खासकर यह चीज़ आपको रमज़ान के महीने में ही मिलेगी। और अगर आप नागपुर आ रहे हो तो नागपुर में आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मोमिनपुरा एरिया में। इसको प्योर डालडे में बनाया जाता है और अच्छे से भट्टी पर गर्म करके इसको तला जाता है डालडे के अंदर। बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। सबसे पहले हमारे ऑटोमेटिक बैटर बनाने वाली मशीन में जा रहे हैं मैदा और सारा कितना 30 किलो जा रहा है। एक और इसमें अभी पानी जा रहा है, इसको अभी बढ़िया से मिलाएंगे। अभी इसमें कलर जाएगा, फूड कलर से पानी आ गया और पानी के साथ यहाँ पे कलर जाएगा अच्छे से, ताकि पूरे इसमें बढ़िया से अच्छे से मतलब हर एक चीज़ में बढ़िया कलर आ जाए, है ना भैया? ये देखो यहाँ से बसंदा गर्मी हो जाती है, थोड़ा और कलर डाला जा रहा है। तो पूरे दिन ऐसे बनते रहता है? दिन में कितना बना लेते हो? 3 क्विंटल 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल 2.5-3 क्विंटल। और ये अभी मशीन चालू हो रही है जिसमें पूरा बढ़िया से मिक्स होगा। ऑटोमेटिक मशीन है, 2 से 3 मिनट में आपको पूरा जो बेस रहता है हमारी फेनी का रेडी होते दिख जाएगा। भैया बाजू से भी खुद ही हाथ से भी मैनुअली मिक्स, और साथ ही साथ पानी भी डालती जा रहा है ताकि एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी बने। भैया अभी नहीं हुआ भाई, अच्छा अभी रेडी नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर कलर आ चुका है और हमारे बैटर में जाएगा। ओके हो गया रेडी, एकदम परफेक्ट देखो कलर आ गया है। अभी इसको मैदे में और आगे इसके प्रोसेसेस होंगे आपको पूरा दिखाएंगे, वीडियो को एंड तक देखो। तो हमारा जो बेस है ना उसको पूरा काट के एक बड़ी सी स्टील की प्लेट में रखा जा रहा है। यहाँ से जो अपना बेस बनते हैं देखा आपने, इसको काटेंगे और यहाँ पे एक स्टील के प्लेट पे पटका जा रहा है, काटा जा रहा है, काटा जा रहा है। और ये जो अपनी स्टील की प्लेट है बड़ी सी यहाँ पे प्लेट रखी है, अब एक कपड़ा गीला कर दिया और हमारा जो पूरा बैटर है ना उस पर रख दिया गया है। उसके बाद हमने अपना कपड़ा डाला हुआ था ताकि सूखे नहीं मैदा, उसको काटा जा रहा है और ऐसे रोल बनाया जा रहा है, फिर उसके भी छोटे छोटे पीसेज होंगे। एक बॉल का एक पीस बनता है ना भी, इसको भी आगे बहुत सारे इसके प्रोसेस रहते हैं। अभी फिलहाल बॉल बना के उसको रखेंगे। तो अभी हमारी जो घी है देसी एकदम प्योर घी जो बनती है वहाँ पे बनाया जाता है उसको लाया है। इसमें जो हमारा जो फेनी का जो बेस बनेगा ना उसको इसमें डुबा के फिर तला जाएगा। तो ये उसका प्रोसेस चालू है। अब नेक्स्ट जा रहा है इसमें भाई साहब दाल का, ताकि जो कंसिस्टेंसी ना एकदम परफेक्ट हो और अपना जो बैटर है ना उसमें एकदम स्टिकी सिक्की पेस्ट लगे, उसको बढ़िया से मिलाया जा रहा है एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी की। तो ये हमारा जो बॉल था उसको एकदम ऐसा बैंगल टाइप में बनाया जाएगा, जैसे जो चूड़ियाँ होती है ना डोनट जैसे बोल सकते हैं हम लोग, वैसे शेप में उसको बनाया जाएगा। एकदम मतलब हाथों की कला है ना भैया, हाथों की कला है पूरी पूरी हाथों की कला। तो ये देखो कैसा उसको परफेक्टली शेप में बनाया जाता है। फिर इसको ऐसे घी में डाला जाएगा, इससे घी की मिक्स है कुछ प्योर देसी घी। अच्छा प्योर देसी घी है, उसको देसी घी में एकदम डुबा के जो हमारा पीस है ना उसको रखा जाता है। ये देखो यहाँ से पूरी मतलब हाथों की कला है, पक्का भी बना रहे हैं। ये आ गया अपने देसी घी में और ये लग जाएगा। अब हमने आपको दिखाया था कि जो पूरा जो हमारा बैटर बना था उसको बढ़िया से घी में डाला गया और उसके ऐसे बनाए गए थे। अभी उसको हाथों की कला से एकदम प्रोफेशनलिज्म से
बॉल्स में बनाया जा रहा है और बॉल की भी आप देखो कैसे उसको खींच खींच के बढ़िया से बनाया जा रहा है। भैया भैया कितने टाइम से बना रहे हो, क्या इतना परफेक्ट बन रहा है? कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? पूरी हाथों की कलर है, मतलब नॉर्मल चीज ही चाहे जो हर जगह मिलती है लेकिन वो हाथों की कलर की वजह से जो शेप है ना वो नेक्स्ट लेवल आता है। ये अभी पहली बार किया जाएगा, ऐसे इसको तीन बार किया जाएगा। अभी ऊपर से थोड़ा और घी लगाया जा रहा है और ये हमारा अभी जाएगा भैया रेडी होने, मतलब तलने के लिए। यहाँ पे एकदम हल्का गर्म पट्टी है, आपको दिखाएंगे कि भैया तला कैसे जाता है। तो आपने इसको बनते हुए तो पूरा देखा, अब इसको भट्टी में जा रहे हैं तालना में। दो से तीन मिनट लगते हैं भैया? हाँ, दो से तीन मिनट का पूरा बढ़िया से तल जाता है। ये देखो ऑरेंज कलर का पट्टी आया हुआ है भैया, मतलब नेक्स्ट लेवल है। इतनी गर्मी में, इतनी गर्म बड़ी भट्टी में भैया। तो अभी इसको पलटाया जाएगा और भाई साहब इतनी लंबी प्रोसेस है ना इसकी, मतलब स्टार्ट टू एंड आपने पूरी प्रोसेस देखी, बहुत लंबी है, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। कम से कम दो घंटा। एक शेयर मार देना बिल्कुल से, बढ़िया से लाइक भी कर देना। इसको कैसे खाया जाता है? दूध। अच्छा, दूध के साथ खाया जाता है। अच्छा, डालना अपने हिसाब से। और क्या रेट है इसका अभी? 150 रुपये किलो। ये देखो इसको पूरा निकाला गया, फिर तालडा जो है नीचे थोड़ा सूख गया और इसको यहाँ पे टोकरी में डाला गया है और टोकरी में भी नीचे जो है पूरा तालडा निकल जाएगा, है ना भैया? होप सो आपको फेनी की मेकिंग बहुत पसंद आएगी। बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत ज़ोरदार प्रोसेस है और टेस्ट में भी भाई नेक्स्ट लेवल होता है। आपको एक बार जाके एड्रेस समझाता हूँ। ये है मोमिनपुरा का जो मेन गेट है, उसके बाजू में बस आप आओगे ना अंदर में, आप पे शॉप का नाम है शाहिद सेवई भंडार, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो ये सिंगल फ्राई वाली है ना उसका प्राइस है 150 और डबल फ्राई वाली ये वाली है उसका प्राइस है 160 रुपीज़ के जी।